फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। उसके टॉपिक है नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगे। नेटवर्क में जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत से प्रॉब्लम होता है, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए आपको सेटिंग ओपन करने एंड उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तब आपको यहाँ दिखता है लास्ट में सिस्टम का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर देंगी एंड उसके बाद आपको रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ इस पर क्लिक कर देंगे। वो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं एंड आप जब भी आपके नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से एक बार रीसेट कर देंगे एंड जब भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है इस पर क्लिक कर देंगे, फिर से रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे और आपका रीसेट हो चुका नेटवर्क और जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसमें और इससे आपके फ़ोन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रीसेट करने से। तो इस तरीके से आप अपने फोन नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट कर सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है ठीक हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता आपके फ़ोन में और इससे बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो बस ये होता है कि वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट करेगा, ब्लूटूथ कनेक्ट हो डिसकनेक्ट हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट करेंगी तो आपको सही और फास्ट चलेगा। तो इसी तरीके से आप अपने फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आएगा किस प्रकार से नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।